ये TS7 एंड्रॉयड कार स्टूडियो है और इस प्लेयर में टच प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। टच डायगनली मिरर, यानी जब मैं राइट में टच करता हूँ तो लेफ्ट में क्लिक होता है, और डायगनली यानी राइट बॉटम पर टच करोगे तो लेफ्ट टॉप पर क्लिक होगा। तो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो राइट बॉटम पर टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर राइट टॉप पर क्लिक हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब आप राइट टॉप पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट बॉटम पर क्लिक होगा, यानी टच हर जगह प्रॉपरली वर्क कर रहा है बट डायगनली अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्लेयर की स्क्रीन पर 5 फिंगर को कुछ टाइम तक के लिए होल्ड करके रखना है, और होल्ड करने के बाद ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी और उस पर येलो प्लस का सिंबल आएगा। जहाँ जहाँ पर येलो प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने होल्ड किया यहाँ पर 5 फिंगर को। कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर येलो प्लस सिंबल आ रहा है, वहाँ वहाँ पर टच करना है जहाँ जहाँ पर येलो प्लस सिंबल आएगी। देन ये लास्ट पर ओके करते ही ये ब्लैक इंटरफेस अपने आप क्लोज हो जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ सेम जगह पर यहाँ टच हो रही है। तो इस टाइप से आप TS7 एंड्रॉयड कार स्टूडियो में यदि इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो आप फिक्स कर सकते हो।